देखो फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगी, तो करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो मैथमेटिकली बताओ। इसको अगर बढ़ाना है तो या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या एरिया ऑफ कॉयल बढ़ा दो, या फिर के को कम कर दो, तो बढ़ गया। और अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ गई। उल्टा वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग आर, आप गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को कम कर दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर बढ़ जाएगी। तो यही डिस्कस कर रहा है वो, कैसे आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। नंबर वन, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हो तो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ती है, करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, पर एक प्रॉब्लम है आपकी ना, लिमिटेशन है नंबर ऑफ टर्न्स की। ये नहीं कि 100 की जगह 1 लाख टर्न बना दो और फिर कहो 10 लोग लाओ गैल्वेनोमीटर उठाना है। इतना बड़े कॉइल को कौन उठाएगा भाई, 4 मजदूर इकट्ठे करने पड़ेंगे उठाओ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि भारी बहुत हो जाएगा बल्कि। तो क्या करोगे ऐसी सेंसिटिविटी का? तो उस केस में आप एन को बढ़ाते हो तो ये भी प्रॉब्लम है, कोई बात। आप एन को 100 की जगह 200 कर दो, एक और प्रॉब्लम है। जब आप एन को बढ़ाते हैं आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, पर साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है जिससे कि सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो यानी कि बट एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। एन की वैल्यू कोई लिमिट है, कोई उससे ऊपर बढ़ नहीं सकती, बिकॉज इट विल मेक गैल्वेनोमीटर बल्कि एंड विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, आर बढ़ा देगा। तो इसलिए सिर्फ एन को बढ़ाना एक सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी। कह रहे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, कैसे बढ़ा सकते हैं बी को? बाय यूजिंग हॉर्स शू मैग्नेट, नॉर्थ साउथ हॉर्स शू मैग्नेट यूज की जाए, एंड बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द कॉइल। कॉइल के बीच में हमने लकड़ यूज नहीं की, वुड यूज नहीं किया, कॉपर यूज नहीं किया, सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया। सॉफ्ट आयरन कोर फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है, फेरो का मतलब हाईली मैग्नेटाइज। अगर आप उसको हल्के से मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो खुद ही मैग्नेट बन जाता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए मटेरियल यूज कौन सा करेंगे? सॉफ्ट आयरन कोर। बाय इंक्रीजिंग एरिया एंड बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, वो तो मैंने बताई दिया आपको, यहां तक क्लियर है?